दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2022 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एमपी जल निगम 2022 फॉर्म फिलअप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश जल निगम mpjalnigam.mp.gov.in की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको भर्ती ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जल निगम की विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन इकाई में प्रबंधन तकनीकी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। तो यहाँ पर PDF डाउनलोड करके आपको सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले मैं ये नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और सैलरी। यहाँ पर मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट रहेगी लेवल 12। यहाँ पर GP 5400 से 56100। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ पर रिमार्क क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पर सिविल इंजीनियर की 48 पोस्ट है। BE BTEC इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई एनी वन ईयर ऑफ गेट 2020 या 2021-22 इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 60%। यहाँ पर दोस्तों आपको जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेटस एज ऑन 30/9/2022 सेल नॉट बी मोर देन 27 ईयर्स। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं 17/10/22 से स्टार्ट है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है, उसके बाद में ही आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको MP ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट खोल लेना है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फिर आपको मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित मैनेजर टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2022, यहाँ पर स्टार्ट डेट है 17/10/2022, आप इसे 7/11/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रूल बुक और इंस्ट्रक्शन दोनों पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको आई फॉर्म, इसमें आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा आई फॉर्म रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको अगर आपने पहले से कर लिया है तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपको सबसे पहले नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको साइन अप कर लेना है अपना आई फॉर्म में एप्लीकेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आपको फॉर्म समझ में नहीं आएगा तो कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देना है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर फादर्स नेम इस बॉक्स में, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एक यूज़र नेम बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको अपना यूज़र नेम इस तरीके से आपको बना लेना है और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। आपका पासवर्ड एक कोई कैपिटल अक्षर, बाकी स्मॉल और कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हैज परसेंटेज डॉलर, ये इस तरीके से आपको मिक्स करके अपना दोनों बॉक्स में पासवर्ड बना लेना है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों अपना यूज़र नेम डालेंगे और आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालेंगे। आपका यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर भेज दिया जाएगा तो वो यहाँ पर डाल के लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आई फॉर्म की।
यहाँ पर वेलकम टू प्रोफाइल डैशबोर्ड, तो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन आएगा, यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर माय फील्ड एप्लीकेशन रिसीव, यहाँ पर ईमेल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रोफाइल को कम्प्लीट करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डिटेल, और यहाँ पर प्रिंट रिसीव, तो ये पांचों कॉलम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना हिंदी में नाम डाल देना है और ये डिटेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप मैरिड है तो यस करके उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हैंडीकैप में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपनी तहसील सिटी का नाम, और यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं। अलग अलग एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लीज़ एंटर योर मोबाइल एंड ईमेल गेट पासवर्ड, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका स्नातक है, यूजी पीजी जो भी हो, वो यहाँ से सीरियल वाई आपको सबसे पहले 10th की डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन 10th आ जाएगा और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में जनरल, और यहाँ से फुल टाइम था, और यहाँ पर कौन से ईयर में आपने पास किया है, इस तरीके से ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे, और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम डालेंगे, यहाँ से आपका रिजल्ट मार्क में आता है CGPA वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क आपको कितने नंबर प्राप्त हुए वो डालेंगे, यहाँ पर आपका कितने नंबर का टोटल पेपर होता था वो नंबर डालेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज, और अगर आपका उसके बाद में ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12th क्लास की डिप्लोमा या स्नातक, यूजी पीजी जो भी आपकी डिटेल है सारी आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो 10th 12th ग्रेजुएशन की वो ऐड कर देना है, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पर आपका जो ब्राउज पर लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ओनली JPG फॉर्मेट रहेगा जिसका साइज 80KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको आई कैन सी माई फोटो एट द राइट प्लेस इन दोनों बॉक्स पर टिक करना है। आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपने SC ST OBC कैंडिडेट से फॉर्म फिल किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज 200KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी हाइट बिट्स यहाँ पर 200 पिक्सल दी हुई है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का साइज का। उसके बाद में आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर और चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो जाएगी तो उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पर नीचे प्रिंट बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको आपको सेव करके रख लेना है, इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। फिर यहाँ पर होम बटन दिखेगा ऊपर की साइड में, राइट साइड में होम पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको सामने आपकी जो प्रोफाइल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपके जो भी रनिंग में फॉर्म रहेंगे वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश जेल निगम मर्यादित टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2022 इस वाले अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली सारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट नेम एंड एलिजिबिलिटी, आपकी जो पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल की है, यहाँ पर आपको पोस्ट बन इसमें BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग 60%, यूआर कैंडिडेट 50% ओबीसी और 50% एससी एसटी 60 हैंडीकैप। यहाँ पर आपका बीटेक या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर दोस्तों आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको गेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हैव यू पास गेट, अगर पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट पास है तो यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर 2020 में पास किया था 21-22 वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपका गेट स्कोर कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका रिलेक्शन अदर डिटेल, आर यू इंडियन नेशनल तो यस करेंगे, यहाँ पर हैव यू बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर आर यू एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग ये यस नो कर देना है आपको। यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पर आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पर क्लास 12 की, और यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्कशीट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर, यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज यहाँ पर 200 KB दिया हुआ है, ओनली JPG फॉर्मेट रहेंगे ये चारों। उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको ये सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, सही साइज़ में आपको अपलोड कर देना है और इस डब्बे पर आपको टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आपकी पेमेंट लग रही है तो आपको अपने फॉर्म की फाइनली पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के या सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित MP जल निगम 2022 फॉर्म फिलअप घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।